हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लेथ का सिंटर के बारे में कि लेथ का सिंटर कितने प्रकार का होता है और वो कहां कहां यूज होता है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, मैं कन्हैया विश्वकर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चैनल टेक्निकल अचीवमेंट में। दोस्तों, सबसे पहला सेंटर है। देखिए, सेंटर तो ऐसे ही दो तरह का ही होता है। पहला सॉलिड सेंटर यानी कि डेड सेंटर, दूसरा उस तरह का सेंटर जिसमें बेरिंग लगा हुआ रहता है यानी बेरिंग टाइप सेंटर। ठीक है, सॉलिड सेंटर बहुत तरह का होता है और बेरिंग टाइप भी सेंटर बहुत तरह का आता है। तो सबसे पहला है ऑर्डिनरी सेंटर, इसे हम कहीं भी यूज करते हैं, कभी भी यूज कर सकते हैं। ये भी बेरिंग में भी आता है और सॉलिड में भी, डेड में भी आता है, बट डेड ये ज्यादातर यूज होता है ऑर्डिनरी सेंटर। ठीक है, दूसरा है हाफ सेंटर। हाफ सेंटर हम लोग उस जगह यूज करते हैं जहां पर हम लोग को फेस, मतलब कोई भी जॉब जब लेथ में घूम रहा हो उसका फेस काटने के लिए या फिर टर्निंग करने के लिए अगर हम लोग को सेंटर तक लेना होता है, उस जगह हम लोग हाफ सेंटर का यूज करते हैं। तीसरा है बॉल सेंटर। बॉल सेंटर क्या है, जहां पर भी हम लोग टेलीस्कोप के माध्यम से कोई भी जॉब को लेथ में टेपर टर्निंग करते हैं, उस जगह हम लोग बॉल सेंटर का यूज करते हैं। चौथा है पाइप सेंटर। पाइप सेंटर किस जगह यूज किया जाता है दोस्तों, पाइप सेंटर जहां पर भी कोई साफ होलो साफ हो या फिर कोई ऐसा जॉब जिसमें बोर बहुत बड़ा हो, उस जगह हम लोग पाइप सेंटर का यूज करते हैं। पांचवा है इंसर्ट बीट टाइप सेंटर। इंसर्ट बीट टाइप सेंटर क्या होता है, ये इस तरह का सेंटर है जिसमें क्या होता है कि एक हाई स्पीड स्टील मेटल का बना हुआ इंसर्ट इसमें डाला जाता है जिससे कि घर्षण कम होता है और ये रनिंग को बहुत कम मात्रा में घूमने देता है। ठीक है, और उसके बाद में आता है पांचवा नंबर पे टिप्ड सेंटर। टिप्ड सेंटर क्या होता है, एक डेड सेंटर की तरह ही ये भी होता है जैसे ऑर्डिनरी सेंटर होता है। फर्क इतना होता है कि इसके पॉइंट में कार्बाइड बीट को ब्रेजिंग कर दिया जाता है जिससे क्या होता है घर्षण बहुत कम होता है और इसे प्रोडक्शन जॉब में इस्तेमाल किया जाता है। छठा है रिवॉल्विंग सेंटर बोल सकते हैं या लीफ सेंटर बोल सकते हैं इसे। ये सेंटर में क्या होता है, ज्यादातर ये बेरिंग लगा हुआ होता है इस सेंटर में और ये सेंटर को हैवी जॉब रोटेटिंग करने में और हाई स्पीड रोटेटिंग करने में इस तरह का जॉब को इस्तेमाल किया जाता है। कारण क्या है कि इस तरह का जॉब जब हम लोग रोटेट करते हैं हैवी जॉब, तो उसमें बेरिंग होने के कारण सामने वाला पॉइंट भी जॉब के साथ में घूमता है जिससे कि घर्षण बिल्कुल भी नहीं होता है और जॉब को सपोर्ट मिलता है घूमने में। तो दोस्तों, ये थे ज्यादातर जो हम लोग कॉमन यूज करते हैं, ये छह तरह के सेंटर मैंने आपको बताए हैं लेथ का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें। दोस्तों, जो भी न्यू मेंबर से सब्सक्राइब कर ले इस चैनल को, इस तरह के न्यू वीडियोज आपको मिलते रहेंगे। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियोज में।